उस्मानी अस्पताल ने ये साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट अस्पताल के मामले में सरकारी अस्पताल भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सकती है। हाल में ही एक घटना में बर्न्स और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर एन एनगा प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एक 50 वर्षीय फार्म वर्कर और उनके 20 वर्षीय बेटे वेंकटेश को ठीक किया है। ये दोनों त्वचा के रोग से ग्रसित थे। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट मंडल के तहत अलमासगुड़ा में अपने आवास पर एक गैस सिलेंडर फटने में वे लोग बुरी तरह से जल गए थे। वेंकटेश का चेहरा 30% तक जला हुआ था, दोनों हाथ और पैर 16% तक जल चुके थे। उन्होंने कहा कि रोगियों को एंटीबायोटिक दवाओं और इंजेक्शन दिए गए जो लगभग 2 सप्ताह के लिए थे। उसकी कीमत 3,000 से 5,000 रुपए तक थी। 2 हफ्ते बाद वे त्वचा कलम बांधने का काम किया और अब रोगियों को छुट्टी दे दी गई है।